हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ ये मेकअप लुक शेयर करूंगी। इसे मैंने क्रिसमस पार्टी के लिए क्रिएट किया है। सबसे पहले हम लॉरियल का क्रिस्टल माइक्रो एसेंस अप्लाई करेंगे। इसके कुछ ड्रॉप्स लेकर अपने फेस पे डैब डैब करके हम अप्लाई कर लेंगे। अब हम अपने फेस को मॉइस्चराइज करेंगे, तो इसके लिए मैं गुड वाइब्स का आलमंड्स फेशियल ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आप इसकी जगह पे कोई भी मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे स्किन को बहुत अच्छी तरह से मॉइस्चराइज भी करता है और ग्लोई भी बनाता है। अब बीबी क्रीम अप्लाई करेंगे, तो यहाँ मैं पॉन्ड्स वाइट ब्यूटी का बीबी क्रीम यूज़ कर रही हूँ। इसे अपने हाथों पे लेकर पूरे फेस और नेक पे डॉट डॉट करके अप्लाई कर लेंगे। फिर वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से डैब डैब करके अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। अब कंसीलर अप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ मैं NYB का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। शेड लेकर इसे हम अपने क्रीज लाइन पे अच्छी तरह से ब्लेंड करते हुए अप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ मैंने ट्रांजिशन शेड की जगह पे लाइट ब्राउन शेड का यूज़ किया है। इसके बाद हम थोड़ा सा डार्कर शेड लेकर उसे भी क्रीज लाइन पे अच्छी तरह से ब्लेंड करते हुए अप्लाई कर लेंगे। अब हम आउटर वी पे ग्रे शेड लेकर इसे भी अच्छी तरह से क्रीज लाइन की तरफ ब्लेंड करते हुए अप्लाई कर लेंगे। हम कंसीलर लेकर इसे अपने क्रीज लाइन पे अप्लाई कर लेंगे। इसे हमें पूरे आईलिड एरिया पे अप्लाई नहीं करना है, इसे हाफ क्रीज तक ही अप्लाई करना है और इसे हम हल्का ही ब्लेंड करेंगे, जिससे कि हम इस पे सिमरी आई शैडो अच्छी तरह से अप्लाई कर सकें। चाहे तो ऐसे भी सिमरी आई शैडो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कंसीलर लगाकर अप्लाई करने के बाद वो और भी अच्छा दिखता है और उभर कर आता है, आप खुद ही देख पाएंगे। अभी मैं सिमरी आई शैडो अप्लाई कर रही हूँ, ये बेस कलर का है, देख पाएंगे कि ये कितना अच्छा लुक आया है।
सिमरी आई शैडो को हमें प्रेस करते हुए अप्लाई करना है, इसे रब नहीं करना है। इन सबको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे जिससे कि ये हार्श नहीं दिखेगी। मुझे तो पर्सनली मेरा आई मेकअप काफ़ी पसंद आया। आप लोगों को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल बटन को भी जरूर क्लिक कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।